आप सभी का मेरे चैनल द इंडियन तवे पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगी ब्राउनी, जो हम बनाएंगे बिना माइक्रोवेव के। आइए हम शुरू करते हैं ब्राउनी बनाना। इसके लिए मैंने एक मोटे तले का बर्तन लिया है और जिसे मैंने प्री हीट करने के लिए गैस पर रख दिया है, और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा है। इसे आप बिना नमक के भी बना सकते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे और एक बर्तन से हम ढक देंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। अब हम बनाते हैं ब्राउनी की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक मोल्ड को स्क्वायर मोल्ड लिया है, जिसे मैंने पार्चमेंट पेपर से ग्रीस करके तैयार कर लिया है। अब हम डार्क चॉकलेट लेंगे, जिसकी मैंने दो स्लैब ले ली हैं, और इसे हमें रूम टेम्परेचर पे लेना है, जिसको मैं अब छोटे छोटे पीसेस में हम कट करेंगे। अब इसे हम कट कर लेना है। छोटे छोटे पीसेस में अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे मोल्ड में रखेंगे। ये मैंने कांच का एक बाउल लिया है। ब्राउनी एक ऐसी चीज़ है, सबको, बड़े बच्चों सबको बहुत पसंद आती है, जिसे अब हम डबल बॉयलर पे गरम करने के लिए रखेंगे, यानी कि अब हम इसे मेल्ट करने के लिए रखना है। जिसे मैंने एक बर्तन हमने गैस के ऊपर रख दिया है गरम करने के लिए पानी। अब हमने हाफ कप बटर लिया है, जिसे हम चॉकलेट में डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क मेड, ये भी मैंने हाफ कप लिया है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें जितनी भी चीज़ें लेनी है सब हमें रूम टेम्परेचर पे ही लेनी है। कोई भी हमें फ्रिज की डायरेक्ट चीज़ यूज़ नहीं करनी है। इसके लिए अब हम डालेंगे एक चम्मच वनीला एसेंस। अब हमारा जो डबल बॉयलर का बर्तन है, हम उसके ऊपर इसे रख देंगे और इन चीज़ों को, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इन्हें हमें ओवर हीट नहीं, ओवर गर्म नहीं करना है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कप मैदा ली है, जिसमें अब हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। और इसी में हम मिक्स कर लेंगे। और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अभी हमारा जो लिक्विड फॉर्म का जो हमने बनाया है, जिसमें हमने कंडेंस मिल्क, चॉकलेट और बटर मिलाया है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध हमें अपने लिक्विड फॉर्म जितना हमें चाहिए उतना लेना है। इसे हमें ज़्यादा लिक्विड फॉर्मिंग नहीं बनाना है, हमें हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, ओवर बीट नहीं करना है। अब इसे हम दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कर्ली हो जाएगा। इसमें हमें कोई मिक्सी या कोई विक्स या कोई मिक्सर का यूज़ नहीं करना है। हमें अच्छे से हल्के हाथों से ही इसे घुमाना है। अब ये हमारा जो लिक्विड है, अब हम इसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके।
और इसे भी हमें ओवर बीट नहीं करना है, हमें इसे बहुत ही धीरे हाथ से मिक्स करना है। हमारा जो और बचा हुआ चॉकलेट का मिक्सचर है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये हमारा ब्राउनी का मिक्सर तैयार है। अब हम इसमें और थोड़ा सा दूध मिलाएंगे जिससे कि ये थोड़ा और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाए। इसे हमें ओवर बीट नहीं करना है और इसे हम कर्टेन फोल्ड की मदद से मिक्स करेंगे। ये हमारा ब्राउनी का मिक्सर तैयार है। ब्राउनी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है और आप इसे जब चाहें जब बना सकते हैं। अब इसमें हम जो हमने अपने वॉलनट को कटिंग करके यानी काट के रखा था उसमें हमने थोड़ा सा मैदा मिलाया है जिससे कि ये हम मिक्सचर में मिलाएं तो ये नीचे बैठे नहीं। इसमें हम ये मिक्स कर देंगे। इसे भी हमें बहुत ही स्लो मोशन में करना है और हमें आपको जितना चाहिए ड्राई फ्रूट्स या आप इसमें बादाम काजू आपकी जो मर्जी हो आप वो मिला सकते हैं और इसमें हमें ओवर बीट नहीं करना चाहिए। अब इसे हम मोल्ड में डाल देंगे बेक करने के लिए। इसे अब हमें अच्छे से पूरे में फैला देना है। हम इसे में स्पैटुला की मदद से पूरे में फैला देंगे। अब इसमें हम ऊपर से जो हमने बचा के रखे हुए वॉलनट थे वो ऊपर से डाल देंगे। आपकी मर्जी है, आपको कम चाहिए आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे अगर आपको क्लासिक बनानी है तो आप इसमें वॉलनट नहीं डालें, इसे आप सिंपल बनाएं तो ये क्लासिक ब्राउनी बन जाएगी। और इसे हम अच्छे से दबा देंगे जिससे कि हमारे ये वॉलनट जले नहीं। अब इसे हम बेक करने रखेंगे। अब ये हमारी ब्राउनी तैयार है। हमारी ब्राउनी 30 मिनट में बनके तैयार है। अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। अब हमें इसे जब हमें ब्राउनी को कट करना हो तो हमें 2 घंटे के बाद ही कट करना है क्योंकि अगर हम इसे गरम गरम में कट करेंगे तो ये बिखर जाएगी। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं।